चार बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा संकल्प कार्यक्रम की, जहां युवा नीति, नवीन युवा नीति राजस्थान की प्रस्तुत की जा रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री सीपी जोशी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, युवा बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे साथी, और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है हमारे साथ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, आदरणीय सीताराम लामा जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीलंका से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो हिंदी में बात करेंगे, और हमारे NSUI के अध्यक्ष अभिषेक जी, पूरे मंच को मैं बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में आया हूँ। अक्सर हम सरकार के खिलाफ बैरिकेड के बाहर आंदोलन कर रहे होते हैं और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, तो यहाँ जब मैं बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे कुछ स्मरण होने लगा कि पता नहीं कैसे हर मामले में राजस्थान जो है पहला हो जाता है। अगर आप इस देश में नीतियों की बात करें तो पंचायती राज का पायलट प्रोजेक्ट भी राजस्थान से शुरू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मनरेगा का हुआ, और भारत जहां की 55% आबादी नौजवान है, और आपके सामने ये डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इस राज्य में भी, प्रदेश में भी 28% लोग जो है वो नौजवान हैं। हालांकि प्रधानमंत्री 73 साल के हैं, वो भी अपने आप को नौजवान कहते हैं, ऐसा अगर मान लें तो 95% आबादी जो है नौजवान हो जाएगी। तो आंकड़ा जो है वो जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप 15 से 29 साल तक को शामिल किया गया है। मेरे मीडिया के साथी हैं, घबराइए नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। हालांकि मैं व्यक्ति राजनीतिक हूं और मैं कोई भी बात बोलता हूं उसमें लोग राजनीति ढूंढ लेते हैं। तो जैसे अभी राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सब जगह हॉस्टल बनेगा, विवेकानंद जी के नाम से हर जिले में बनेगा, तो अगर मैं ये कह दूं कि भारत सरकार ने हॉस्टल्स के ऊपर 18% का GST लगा दिया है तो अपने आप इसमें राजनीति हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि यूथ होने का मतलब यही होता है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। एज जो है अपने आप में एक संख्या है और युवा होना एक एहसास है। और युवा होने का एहसास क्या होता है, वो एड आप लोग सुने हैं ना, ये दिल मांगे मोर। युवा होने का एहसास ये होता है कि कम में हमारा काम चलता नहीं है, हम सर्दी भी ज्यादा महसूस करते हैं और गर्मी भी ज्यादा महसूस करते हैं। पीछे हमारी कुछ साथी लोग जो हैं वो पंखा हिला रहे हैं, उनको गर्मी लग रही होगी। ये नौजवान होने का लक्षण है कि हम यूं ही जो है आपकी बात नहीं मान लेंगे। ठीक है, आपने मंच सजा दिया है, कार्यक्रम है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आपकी बात को हम यूं ही नहीं मान लेंगे। अनुशासन तब तक ही रचनात्मक होता है जब तक वह व्यक्ति को गुलाम न बनाता हो। अनुशासन के नाम पे अगर इंसान को गुलाम बनाया जाना शुरू कर दिया जाए, आपने घोड़े के आंख पे वो चश्मा देखा है, वो रेबेन का गोगल्स नहीं है, वो घोड़े को बेसिकली गधा बनाने के लिए लगाया जाता है। तो हम यूथ की जब बात करते हैं, यूथ का मतलब क्या होता है, यूथ का मतलब होता है कि हम हर चीज को क्रिटिकली देखेंगे। आप बड़े हैं, आपने कह दिया तो हम मान लें, ऐसा नहीं होगा। यूथ होने का मतलब यह है कि हम हर चीज ज्यादा महसूस करते हैं। अगर हमारे आसपास किसी इंसान के साथ
उसके कपड़े के चलते, उसके जो है प्रेम करने के चलते, उसके खाने के चलते, उसकी जन्म किस गर्भ से हुआ है इसके चलते अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अगर हम चुप हो गए तो मान लीजिए कि आप नौजवान नहीं है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, और अगर हमने आवाज उठाई तो हम नौजवान हैं चाहे हमारा एज कुछ भी हो। अपने आसपास होने वाले अत्याचारों को महसूस करना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जो है नकारात्मक चीजों को देखेंगे, हमने कहा क्रिटिकली देखेंगे। क्रिटिकली देखने का मतलब सिर्फ नकारात्मक देखना नहीं होता है, क्रिटिकली देखने का मतलब होता है कि नकारात्मकता भी देखेंगे जब खाली सकारात्मकता की बात हो रही होगी, और सकारात्मकता भी देखेंगे जब सिर्फ नकारात्मकता की बात हो रही होगी। आलोचना का मतलब होता है पूरी आंख से किसी चीज को देखना। हम अगर नौजवान हैं तो हमको अपने समाज की, राजनीति की, व्यवस्था की, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि नौजवान होने का मतलब होता है पुरानी पीढ़ी की जो अच्छी चीजें हैं परंपरा के तौर पे, गौरवशाली परंपरा के तौर पे उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो चीजें अप्रासंगिक हो गई है नौजवान होने के दम पर उसको चैलेंज करेंगे। अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, अगर सही है तो उसको सही बोलेंगे। अगर कोई चीज सही है तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह जो नवीन युवा नीति आपके सामने आज प्रस्तुत की जा रही है, मैंने आपको पहले ही कहा राजस्थान कई मामलों में पहला हो जाता है, आप युवा नीति बनाने के मामले में भी पहले हो गए हैं। इसके लिए मैं यूथ बोर्ड को और आप सभी राजस्थान के हमारे प्यारे नौजवानों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो मेरा अपना एक अनुभव है नौजवान होने के चलते, हालांकि आपने जो एज ग्रुप लिया है 15 से 29 उसमें हम बाहर हो गए हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस देश के अंदर जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने कई तरह के चैलेंजेज हैं कि कैसे वो पहले स्किल को सीखें, एजुकेशन को प्राप्त करें, फिर जो स्किल और एजुकेशन उन्होंने सीखा है उसके आधार पे उनको रोजगार मिले, और रोजगार जब मिले तो ना सिर्फ अपना बल्कि देश और प्रदेश के बेहतरीकरण में वो अपना कैसे योगदान कर सकते हैं। देश की हालत जब आज हम देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे धीरे एजुकेशन आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जिस डिप्राइव बैकग्राउंड के गरीब बच्चों के लिए आप हॉस्टल बना रहे हैं उस पर ही अगर 18% का GST लगा देंगे तो इसका मतलब ये है गरीबी जो है बचाने के नाम पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया और गरीब को फिर से और गरीब बना दिया। तो हम नीतियों को इस तरीके से बनाएं कि उसमें हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी से हैं, एक संयोग की बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नहीं था। तो इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ यह जो युवा संकल्प के माध्यम से आपके सामने नवीन युवा नीति प्रस्तुत की जा रही है, इनकी नीति साफ है बल्कि इनकी नीयत भी साफ है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत कोटि कोटि जो है धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और आप जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि और स्पीकर हैं उनको अपनी बात रखनी है, और मेरे साथ मर्यादा ये है कि मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी है, तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात, दिल की बात करके जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि नौजवान का मतलब होता है हर चीज़ को ज़्यादा महसूस करना, हम इश्क भी ज़्यादा करते हैं, हमको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, हमको भूख भी ज़्यादा लगती है, हम सोते भी ज़्यादा हैं, गाना पसंद आ जाए तो हम गाने भी ज़्यादा सुनते हैं, और फिर सिर्फ भारत का गाना नहीं सुनते हैं, कोरियन गाना भी आजकल जेन जी लोग सुन रहा है कि नहीं है, हंस रही हैं जो है महिलाएं। तो हम सब कुछ ज़्यादा करते हैं,
ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, ज्यादा हमको करना चाहिए, लेकिन जैसे बरसात को आपने देखा है, खूब बरसात होती है और जैसे गर्मी जब होती है तो आप गर्मी से परेशान रहते हैं, पहली बारिश जब होती है आषाढ़ की तो बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर सावन में लगातार बारिश हो तो दिल परेशान हो जाता है। पानी बहुत बरसता है और वो बह करके चला जाता है। हमारे जीवन में एक ठहराव की भी जरूरत होनी चाहिए। जो पानी बरसा है उसका एक हिस्सा ठहर जाना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि खूब एहसास कीजिए और पूरी जिंदगी जीजिए, खुल के जिंदगी जीजिए, क्योंकि आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक होने का मतलब यही है कि हम अपने पसंद का खाना खाएंगे, अपने पसंद के कपड़े पहनेंगे, अपने पसंद के इंसान से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उससे शादी करेंगे। शादी में अगर लगने लगा कि बर्बादी है तो खुशी खुशी जो है उससे टाटा बाय बाय कह करके आगे बढ़ जाएंगे। जिंदगी को खुल करके जीने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार के साथ आप रहिए, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि देश कोई केक नहीं है कि हम जोमेटो पे इसको ऑर्डर कर लेंगे। जे देश बनाने में दशकों लगता है, सालों लगता है, और लोगों ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी है। जिस उम्र में आप प्रेम कर रहे हैं और आपको प्रेम करने में मजा आ रहा है, उसी 23 साल की उम्र में एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम गया था, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था। उसी उम्र में जब आप प्रेम कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अपने इश्क के गाने गा रहे हैं, ये वो कहते हैं ना इश्क वाला लव, उसी उम्र में कुछ लोग जेलों में बंद हैं आपके हक और अधिकार के लिए। जब आप अपनी जिंदगी को जीने की ख्वाहिशों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तभी कोई आपके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा होता है, कोई लाठियां खा रहा होता है, कोई जेलों में बंद होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि युवा होना हमारा अधिकार है, युवा की तरह महसूस करना और एहसास करना हमारा अधिकार है, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हमारा अधिकार है, लेकिन इस आज़ादी को बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। और इस आज़ादी को अगर आप बचाना चाहते हैं तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमको घर बना करके दिया है, हम उसको साफ करते हैं, उसमें पेंटिंग करते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादा ने आम का पेड़ लगा करके दिया है, हम उसका फल खाते हैं। तो आखिरी बात हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आज़ाद देश में आज़ादी से ज़िंदगी जीइए, लेकिन इस बात को एहसास रखिएगा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इस आज़ादी को बचाना और उस आज़ादी पे जब भी कोई आँच आए तो खुल करके डट करके उसके सामने खड़ा हो जाना भी नौजवान होना होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह जो नवीन युवा नीति है, इस नीति से राजस्थान के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा और राजस्थान एक बार फिर से देश में पहला राज्य बन करके दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए और आदरणीय मंच को आभार व्यक्त करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। जय राजस्थान।